हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। तो आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि अभी के डेट में यानी वर्तमान समय में जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ के लिए कितना ज़रूरी बन चुका है। यानी बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी के डेट में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं और होना स्वाभाविक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के काम को आसान भी कर दिया है। बहुत सारे काम को हम लोग बहुत इजीली हम लोग कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सहायता से। जैसे कि हम लोग पढ़ने के लिए पहले लालटेन या लैंप वगैरह यूज करते थे, उसके जगह पर अभी हम लोग बल्ब यूज करते हैं जो कि उससे तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रोशनी देती है। इसी तरीके से अलग अलग हम लोग जगह पर अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके यूज करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप लोग इस बात से भी सहमत होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जितना फायदेमंद होता है हर चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल में दुनिया में हर चीज़ का दो पक्ष होता है, तो हम लोग हमेशा एक ही पक्ष को देख पाते हैं और दूसरे पक्ष को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि हम लोग गलती करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए जितना फायदेमंद है उसमें थोड़ा सा भी लापरवाही अगर हम लोग करते हैं तो उतना ही ज़्यादा उससे हमको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ सेफ्टी या कुछ सावधानियां जो हम लोग को बरतनी चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चर्चा तो हम इस बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अभी के समय में अधिकांश जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, जो भी मिस्त्री होते हैं या जो वायरिंग करने वाले जो भी पर्सन होते हैं, वो कहीं से थोड़ा बहुत सीख कर भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित काम करते हैं, लेकिन उनमें से ऑलमोस्ट अधिकांश के पास लाइसेंस नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे खतरा से बचने के लिए या ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हो, इलेक्ट्रिकल हजार्ड नहीं हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रूल बनाए हुए हैं। जैसे कि पंखा है तो सीलिंग फैन से छत से उसको कितना नीचे रहना चाहिए पंखा के ब्लेड को, बोर्ड लगाना है तो फर्श से कितना ऊँचाई पर बोर्ड लगना चाहिए, एक बोर्ड में कितना सॉकेट लग सकता है, अर्थिंग कहाँ पे लगना चाहिए, अर्थिंग की गहराई जो ज़मीन के अंदर हम लोग लगाते हैं उसकी गहराई कितनी होना चाहिए, इसके साथ ही साथ फेज वायर जो होता है, न्यूट्रल वायर होता है, अर्थिंग वायर होता है, सभी के लिए कलर कोडिंग भी डिजाइन किया गया है। तो हम लोग घरों में जनरली ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने आते हैं इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, इसके वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड यानी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत बार हम लोग ऐसा भी गलती करते हैं कि जो हम लोग बोर्ड में फ्यूज यूज करते हैं, फ्यूज एक बार जल गया तो अपने मन से कोई सा भी स्विच तार लपेट देते हैं, उसको पुनः दोबारा लगा देते हैं, जिससे हानि हमको यह होता है कि दोबारा जो हम लोग वायर यूज किए हैं स्टार्टिंग में एक्चुअली जो हम लोग खरीद के लाते हैं वो तो एक मेजरमेंट के आधार पर डिफाइन किया गया रहता है कि कितना करंट आने पर वो फ्यूज आपका ब्लो कर जाएगा, लेकिन दोबारा जो हम लोग यूज कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे तो उससे हम लोग को दिक्कत यह होता है कि बहुत बार ऐसा होता है इलेक्ट्रिकल फायरिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी से आग लगने का कारण बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका फ्यूज तो नहीं जला लेकिन बाकी घर के जितने सारे वायरिंग होते हैं, टीवी होते हैं, LCD होते हैं, जितना सारा इक्विपमेंट होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सभी के सभी ब्लो कर जाते हैं। तो इन सब गलती को हमें करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिन भी मिस्त्री को आप लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए हायर करें या अपने घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए बुलाते हैं, एक बार उनके लाइसेंस को देखने का कोशिश कीजिए। अगर वो लाइसेंस, चूँकि गवर्नमेंट एक्चुअल में लाइसेंस प्रदान किसको करती है, तो पहले उनका प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित उनके पास कितनी नॉलेज है, उसके आधार पर उनको लाइसेंस प्रदान किया जाता है। जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रिशियन का क्या होता है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है उनके काम के अनुभव के आधार पे। इसीलिए हमेशा कोशिश करें जिन पर्सन के पास लाइसेंस उपलब्ध है उन्हीं पर्सन को हायर करने का कोशिश करें। दूसरा, अगर आप लोग रहा बात लाइसेंस प्रदान कहाँ से किया जाता है, तो इसके लिए प्रत्येक स्टेट में अपना अपना इलेक्ट्रिकल एक विभाग होता है। जैसे कि बिहार के लिए होता है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट एनर्जी डिपार्टमेंट बिहार, उसी तरीके UP का होगा, उसी तरीके अदर प्रत्येक कंट्री का होता है। वहाँ से अप्लाई करने पर जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने वाले पर्सन होते हैं इलेक्ट्रिशियन का, वहाँ से आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो इन सब छोटे छोटे बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं तो इलेक्ट्रिकल हजार से बच सकते हैं। इसके अलावा एक और बात मैं बता दूँ आपको,
जनरली बच्चे जो होते हैं सॉकेट में जो दो प्लग होता है उसमें उंगली डालने का बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो उसके लिए अभी वर्तमान समय में उसका भी मतलब बाईपास निकल चुका है। उसमें शटर वाला है कि अभी नया में स्विच सॉकेट आया है जिसमें शटर रहते हैं, जैसे वो हाथ डालने की कोशिश करेगा बच्चा उसमें शटर बंद हो जाएगा और उसमें हाथ नहीं डाल पाएगा। अगर आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऐसे स्थिति में आप लोग जो सॉकेट यूज करें वो शटर वाला सॉकेट रहेगा, तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि कुछ बातें आप लोगों को समझ में आया होगा, बाकी कमेंट के द्वारा बताइएगा आप लोग, अगर अच्छा लगे तो फिर आगे कोशिश किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल से संबंधित अगर कुछ आप लोग को प्रॉब्लम या समस्या होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो उसके आधार पर आगे वीडियो बनाने का कोशिश किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन का लाइसेंस कहाँ से मिलता है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, इन सब बातों के बारे में जानना, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो उस पर मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में नमस्कार, थैंक यू।